गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने टीकाकरण महाभियान को लेकर कहा कि यह अभियान मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से 21 जून को हमने इतिहास रच दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्हें इमरजेंसी और 84 के दंगों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 21 जून को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वैक्सीन अभियान को सफलता मिली। मध्य प्रदेश में 16,78,858 टीकाकरण हुए, इसमें इंदौर नंबर एक पर रहा। वहीं प्रतिशत के आधार पर खंडवा आगे रहा। छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ तीनों जिलों में टारगेट पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की दर आधा फीसदी से भी कम रह गई है। करीब 64,500 लोगों के कोविड टेस्ट हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्वेत पत्र जारी करने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पूरे संक्रमण के दौरान कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कहा, जो कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहते हैं, वैक्सीन को भाजपा की बताते हैं, वे श्वेत पत्र जारी करते हैं। अच्छा होता राहुल गांधी इमरजेंसी और 84 के दंगों पर श्वेत पत्र जारी करते। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री जी के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वैक्सीन अभियान को मां पीताम्बरा माई का दतिया में आशीर्वाद लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रारंभ किया गया, और जैसा परिणाम सुखद आना था वैसा ही आया। मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान गढ़ा। 16,73,858 टीकाकरण मध्य प्रदेश के अंदर किया। सर्वाधिक टीकाकरण अभियान की दृष्टि से अगर हम देखें तो इंदौर नंबर वन रहा, और प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो खंडवा हमारा नंबर वन पर रहा। तीन जिले ऐसे हैं जो टारगेट से कम रहे, छतरपुर, निवाड़ी और अशोकनगर। बाकी सभी जिलों ने टारगेट पूरा किया है, और देश के अंदर मध्य प्रदेश ने अपना स्थान निर्मित किया है। कोरोना के क्षेत्र में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। कल पूरे मध्य प्रदेश में कुल 65 मामले नए आए हैं, जबकि घर पर जो स्वस्थ होके अपने गए ऐसे 318 लोग हैं। संक्रमण दर आधा प्रतिशत भी नहीं रही, अब -1% रह गई है। इसी तरह से रिकवरी रेट हमारी 98.68% रिकवरी रेट पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के अंदर 1,760 कुल एक्टिव केस बचे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम टेस्टिंग देखें तो कल हमारी 64,415 मध्य प्रदेश में टेस्टिंग हुई। ये वैक्सीन नहीं, अमृत है, ये अमृता है, ये संजीवनी है, और इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कह दिया है वैक्सीन के बारे में कि अगर हमारे 18 वर्ष से ऊपर के जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं, उस कोचिंग में अगर सभी को वैक्सीन लगा होगा तो कोचिंग प्रारंभ हो सकती है। 18 से ऊपर के हमारे जो महाविद्यालय के छात्र हैं प्राइवेट वाले, अगर वो लोग उनके विद्यालय में पूरी वैक्सीनेशन 100% है तो विद्यालय प्रारंभ कर सकते हैं। टॉकीज के अंदर सर्टिफिकेट वैक्सीन का लेके जाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तो रास्ता निकलता दिख रहा है। बैंड वाले, अगर पूरी बैंड बारात हमारी वैक्सीन की हुई है, दोनों डोज लगी हुई है, तो इसलिए शादी वालों को, टॉकीज वालों को, कॉलेज वालों को, डीजे वालों को वैक्सीन की प्राथमिकता देके अभियान चलाना चाहिए, जिससे हम इस कोरोना से मुक्ति पाएं, मास्क से मुक्ति पाएं
और हमारे शादी ब्याह सब उत्सव आराम से हो सके। जिनके नेता कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहते हो, जिनके नेता वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कहते हैं, जो कोरोना की आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए, वो कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। कितना अजीब विषय है। राहुल गांधी जी पूरे आपदा के समय, कोरोना की के समय, एक अस्पताल में, एक राहत शिविर में कहीं अनाज बांटते, दवाई बांटते दिखे हों तो उन्हें अधिकार है कोरोना पे श्वेत पत्र जारी करने का, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी 84 के सिख दंगों पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी भोपाल गैस त्रासदी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता कश्मीरियों से हिंदुओं के पलायन पर वो श्वेत जारी करते तो अच्छा लगता। वो तो खुद ही कोरे कागज है, आके खुद खड़े हो जाए तो श्वेत पत्र ही है। और इसलिए राहुल गांधी जी जरा विचार करो, आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस कोरोना काल में कहां है, श्वेत पत्र इस पर जारी करो कि आप लोग कहां थे आपदा के समय। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।